हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि कंप्यूटर और कंप्यूटर के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार TET2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यानी कि एक नए चैनल का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ यानी कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को सभी पे यानी कि फॉलो कर सकते हैं, सभी को फॉलो कर सकते हैं और बारी बारी से आप लोगों को यानी कि सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न से। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा एलिमेंट स्टैक में से सबसे में से यानी कि पहले डिलीट होगा, यानी कि सबसे पहले जो डिलीट होगा एलिमेंट स्टैक में से वो कौन है, उसका उसके बारे में हमको बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि स्टैक के बीच का एलिमेंट, तो स्टैक के बीच का एलिमेंट सबसे पहले डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसको डंक कर देते हैं। बी में कह रहा है कोई निर्देशित एलिमेंट ऐसा नहीं है भाई। सी में कह रहा है स्टैक के नीचे का एलिमेंट, स्टैक के नीचे का एलिमेंट वाला नहीं करेगा, स्टैक के ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा सबसे ऊपर यानी कि शीर्ष वाला एलिमेंट होगा सबसे पहले वो क्या होगा यानी कि डिलीट होगा, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक एरे का यानी कि इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है, यानी कि इंडेक्सिंग के बारे में हमको बताना है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है, ठीक है ना, इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है ओनली फॉर यानी कि जीरो से, यहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से होता है, ठीक है, शून्य से स्टार्ट होता है। ऑप्शन किस में दिया है, शून्य, ए में कह रहा माइनस एक, तो माइनस एक से स्टार्ट नहीं होता है यानी कि शून्य से स्टार्ट होता है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। सी में दिया है एक से, तो एक से भी स्टार्ट नहीं होता, नहीं सौ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ओनली फॉर जीरो से स्टार्ट होता है क्या, इंडेक्सिंग, ठीक है ना, एरे का इंडेक्सिंग। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक एरे क्या है, यानी कि एक एरे क्या है उसके बारे में हमको बताना है। तो दोस्तों एरे जो होता है एक यानी कि प्रकार का संग्रह है, ठीक है ना। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार के तत्वों का एक संग्रह है, तो विभिन्न प्रकार के तत्वों का नहीं दोस्तों, समान प्रकार का ये तत्वों का संग्रह होता है, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया। बी में दिया है गतिशील आवंटित तत्वों का एक संग्रह है, गतिशील का नहीं है दोस्तों, एक दूसरे के बगल में रखा विभिन्न डेटा प्रकार का एक संग्रह एरे है, ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर कि डी में दिया है, तत्वों के समान, ठीक है, यानी कि प्रकार का संग्रह एक एड है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है, करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है यानी कि स्टैक ऐसे एलिमेंट का पंपिंग, यानी कि पंपिंग का मतलब समझिए हटाना क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में बताना है। ए में कह रहा है, ए में कह रहा है यानी कि स्टैक में एलिमेंट की छटाई, बी में कह रहा है स्टैक में एक नया एलिमेंट जोड़ना, सी में कह रहा है स्टैक में से एक एलिमेंट को हटाना, यानी कि स्टैक जो है उसमें से एक एलिमेंट को अगर हटा दिया जाएगा, ठीक है ना, हटा दिया जाएगा, ठीक है, हटा दिया जाएगा तो उसको यानी कि क्या कहेंगे, यानी कि पंपिंग हटाना कहेंगे, जो कि सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। स्टैक में से एक एलिमेंट को हटाना पंपिंग कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, कह रहा है एक स्टैक क्या है, ठीक है ना, स्टैक के बारे में हमको बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि स्टैक एक गैर रैखिक सूची है जिसमें विभिन्न सिरों पर प्रवेशन और विलोपन होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यानी कि ये जो है एक रैखिक सूची तो है, ठीक है, लेकिन गैर रैखिक सूची नहीं, इसलिए एक पहला ऑप्शन नंबर गलत हो गया। बी में दिया है एक स्टैक एक गैर रैखिक सूची है जिसमें प्रवेश और विलोपन एक ही अंत में होता है, ठीक है, एक ही अंत में होता है, ठीक है भाई। और सी भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, तो देखिए इसमें भी क्या कह रहा है यानी कि बी में, लेकिन गैर रैखिक वाला नहीं होता है, पहले भी बोल दिए हैं कि रैखिक वाला होगा। एक रैखिक सूची है जिसमें प्रवेश और विलोम एक ही अंत में होता है, तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यू के अंत में जहाँ पर नए एलिमेंट जोड़े जाते हैं किस रूप में जाना जाता है, यानी कि नए एलिमेंट, ठीक है, नए यानी कि एलिमेंट, और नई एलिमेंट को यानी कि जोड़ेंगे तो यानी कि उस विधि को, ठीक है ना, जोड़ेंगे तो यानी कि वही के अंत में जहाँ पर एक नए एलिमेंट जोड़े जाते हैं किस रूप में जाना जाता है, और उसको जो दोस्तों यानी कि जाना जाएगा, है ना, उसको जो यानी कि जाना जाता है, ये जाना जाता है आपको यानी कि रियर के रूप में, किसके रूप में, यानी कि रियर के रूप में। ऑप्शन किस में दिया है, ए में करा यानी कि टॉप, टॉप के रूप में नहीं जाना जाता है, रियर के रूप में जाना जाता है, जो कि बी में दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर जो होगा यानी कि बी सही हो जाएगा, जबकि सी में दिया हुआ है बॉटम, बॉटम के रूप में नहीं जाना जाता, नहीं फ्रंट के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टैक और व्यू क्या है, ठीक है, स्टैक और व्यू के बारे में हमको बताना है। तो देखिए स्टैक और व्यू जो दोनों है दोस्तों यानी कि नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, नॉन, ठीक है, क्या है, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर है,
ए में कह रहा है प्रिंटिंग डाटा स्ट्रक्चर, प्रिंटिंग डाटा स्ट्रक्चर नॉन प्रिंटिंग डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्टम्प्स नहीं है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, जो है यानी कि नॉन प्रिंटिंग प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, जो कि यानी कि डी में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, यानी कि डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टैक में एक एलिमेंट को जोड़ने का मतलब होता है। स्टैक में जो एलिमेंट जोड़ा जाता है दोस्तों, यानी कि एलिमेंट जो जोड़ा जाता है उसका यानी कि मतलब क्या है। देखिए स्टैक में यानी कि एलिमेंट जोड़ने का सीधा सीधा मतलब है कि यानी कि टीज, ठीक है ना, टीज पर एक एलिमेंट को रखना। किस पे, यानी कि स्टीज पे, ठीक है, स्टीज पर यानी कि एक एलिमेंट को रखना। ऑप्शन पढ़ेंगे, स्टैक के एलिमेंट को हटाना, हटाना नहीं, हटाना दोस्तों पंपिंग कहलाता है। अब फ्रंट एंड के, फ्रंट एंड में एक एलिमेंट को रखना, ये भी नहीं दोस्तों, यानी कि रियर एंड में एलिमेंट को रखना, ये भी नहीं। राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया, स्टेज पर एलिमेंट को यानी कि क्या करना, यानी कि रखना, जो कि डी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, एरे का उच्चतम सूचकांक क्या हो सकता है अगर एन एरे के तत्व की कुल संख्या है, अन एरे की अगर कुल संख्या है तो इसका यानी कि सूचकांक जो होगा दोस्तों ये होता है आपको यानी कि एन माइनस में वन होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है केवल एन, तो एन तो नहीं होगा, प्लस वाला नहीं होगा, नहीं माइनस टू वाला होगा, ओनली फॉर एन, एन माइनस वन होगा, जो कि डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्न स्थितियों में से कौन सी स्थिति एक निश्चित आकार की वायु के लिए सही है, निश्चित आकार के लिए कह रहा, यानी कि निश्चित आकार के लिए। और निश्चित आकार की अगर बात किया जाए भी यानी कि वायु का, तो ये जो आकार जो सही होगा दोस्तों, ये ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दोनों। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दोनों, तो ठीक है भाई, ओवरफ्लो भी होता है अंडरफ्लो भी होता है। सी में, बी में कह रहा है यानी कि न तो अंडर, न तो ओवरफ्लो नहीं अंडरफ्लो, नहीं भाई, ये दोनों होता है, अंडरफ्लो भी होता है और ओवरफ्लो भी होता है। तो ऐसा जो दिया ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है ना, दोनों राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है वायु क्या है, यानी कि वायु के बारे में बताना है। लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दोनों, ठीक है भाई। बी में कह रहा है स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर है। सी में कह रहा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और डी में कह रहा है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों यू वायु एक प्रकार का, ठीक है ना, वायु जो है दोस्तों यानी कि एक प्रकार का यानी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, लीनियर डाटा, ठीक है, स्ट्रक्चर है। ऑप्शन किस में दिया है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर जो दिया है यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक वायु जिसमें एलिमेंट को जोड़ने के साथ साथ हटाना इसके दोनों सिरे पर किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे, ठीक है, जोड़ने के साथ साथ हटाना। और दोस्तों यानी कि जोड़ने के साथ साथ हटाना को जो कहेंगे यानी कि डबल एंड वायु कहेंगे, क्या कहेंगे, डबल, ठीक है, डबल एडेड, डबल एडेड व्यू कहेंगे। ऑप्शन किस में दिया है, डबल एडेड व्यू, ए में कर रहा है यानी कि सिंपल व्यू, सिंपल व्यू नहीं होगा, सर्कुलर व्यू नहीं होगा, नहीं प्रायोरिटी व्यू होगा, ये जो होगा यानी कि डबल एडेड व्यू होगा, जो कि यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से जो यानी कि जावा स्क्रिप्टिंग और यानी कि जावा के बीच मुख्य अंतर क्या है, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में यानी कि मुख्य अंतर के बारे में हमको बताना है। और देखिए दोस्तों दोनों के बीच यानी कि मुख्य अंतर सिर्फ यही है। ए में क्या कह रहा है, ऑप्शन पढ़ेंगे यानी कि सभी विकल्प, पहले तीन पढ़ लेते हैं। जैक्सिक जावा क्रिप्ट दुभाषीय ब्राउजर में उपलब्ध है, ठीक है भाई, ये तो होता है। जावा स्क्रिप्ट जो है सीधे HTML के साथ जोड़ा जा सकता है, ये भी ठीक है। जावा स्क्रिप्ट जो है भाषा की तुलना में सरल, यानी कि सभी जो दिया हुआ है ये सभी अंतर है इसके बीच, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, VB-NET में यानी कि डबल डाटा प्रकार को डैश बाइट का स्टोरेज एलोकेशन एलोकेशन प्रदान किया जाता है। दोस्तों यानी कि एलोकेशन जो प्रदान किया जाता है डाटा को, ये मेन रूप से, ठीक है ना, मेन रूप से अगर देखा जाए तो यानी कि आठ, ठीक है ना, आठ बाइट स्टोरेज एलोकेशन प्रदान किया जाता है, जो कि बी में दिया है आठ बाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, जावा स्क्रिप्ट में यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डेटा टाइप है, वैध डेटा टाइप। और दोस्तों यानी कि वैध डेटा टाइप जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ये दिया हुआ है यानी कि स्ट्रिंग। क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ए में कर रहा है फ्लोट, फ्लोट नहीं है, नहीं रियर है, नहीं वर्ड है, ये जो दिया है स्ट्रिंग ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर यानी कि बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, कह रहा है
यानी कि परिदृश्यों में से एक में उपयोगिता आउटपुट को एक पृष्ठ पर यानी कि लिखता चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा जवा स्क्रिप्ट कमांड का उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यानी कि जो कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, इस कमांड का नाम यानी कि पूछ रहा है, ठीक है, ये जो होता है यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट राइट होता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है INIT प्रक्रिया का PID क्या है, यानी कि PID, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि PID जो होता है यानी कि INIT का, ठीक है, INIT का PID की बात कर रहा है। इसका PID एक होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।